आज बात करेंगे सोलर सिस्टम के बारे में। जो सोलर सिस्टम है, देखिए ये क्या होता है। जो सन होता है और जो सेलेस्टियल बॉडीज होती हैं और उसके अराउंड जो रिवॉल्व करते हैं, ये सारा जो है सोलर सिस्टम होता है। जो हमारा सन है यानी कि सूरज है, और जो सेलेस्टियल बॉडी है यानी कि आकाशीय, जो आप ऑब्जेक्ट्स देखते हैं, तारे हो गए, जो आपके प्लैनेट्स हो गए, ये सारे जो रिवॉल्व करते हैं अराउंड द सन, इसको पूरे को हम सोलर सिस्टम बोलते हैं, क्योंकि अराउंड द सन ये चक्कर लगा रहे हैं। इसके अंदर देखिए लार्ज नंबर ऑफ बॉडीज होती हैं, जैसे प्लैनेट्स हो गए, कॉमेट्स हो गए, एस्ट्रॉइड्स आप उनको बोल सकते हैं, और इसी तरह से आपके मेटेयर्स होते हैं इसके अंदर। तो ये घूमते क्यों हैं? ये ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन होती है, तो उस कारण से ये जो है सन और ऑब्जेक्ट के बीच में ये रिवॉल्व करते रहते हैं। अब देखिए, हमें पता है जो अर्थ है सन के अराउंड चक्कर लगाती है, इसी तरह से अदर जो प्लैनेट हैं वो भी है चक्कर लगाते हैं। तो अर्थ भी क्या है? एक प्लैनेट है। इसी तरह से आप देख सकते हैं यहाँ पे कौन कौन से प्लैनेट हैं। यहाँ पे सन है, सन के बिल्कुल पास यहाँ पे होता है मरकरी, मरकरी होता है ये, तो इसको हम मरकरी बोलते हैं। उसके बाद ये जो होता है, ये होता है वीनस। पहले हम इनके नाम देख लेते हैं, फिर इनके बारे में पढ़ेंगे। ये वीनस होता है, और यहाँ पे ये होता है अर्थ, जो तीसरी ऑर्बिट है। फर्स्ट में मरकरी, सेकंड में वीनस, तीसरी में जो तीसरी ऑर्बिट है अर्थ, और जो फोर्थ में ये है मार्स। उसके बाद ये है जुपिटर, ये जुपिटर है। उसके बाद जुपिटर के बाद ये है सैटर्न, सैटर्न जैसे शनि हम जिसको बोलते हैं। ये है यूरेनस, ये यूरेनस होता है उसके बाद। और ये जो है लास्ट वाला जो है, ये होता है नेपच्यून। तो ये जो है स्टार होते हैं, सॉरी प्लैनेट होते हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, तो 8 प्लैनेट इसमें दिखाए गए हैं। 2006 तक हमारे पास 9 प्लैनेट थे सोलर सिस्टम के अंदर, लेकिन फिर जो हमारे एस्ट्रोलॉजिस्ट थे, एस्ट्रोनॉमिकल जो यूनियन थी, उन्होंने क्या किया, उन्होंने एक डेफिनेशन निकाली प्लैनेट्स के लिए, जिसपे जो है प्लूटो, प्लूटो उस डेफिनेशन पे सूट नहीं किया, तो प्लूटो को इन प्लैनेट की गिनती से बाहर कर दिया गया। तो प्लूटो अब प्लैनेट नहीं है, तो ये आपको ध्यान रखना है। 2006 तक 9 प्लैनेट थे, लेकिन प्लूटो को बाहर कर दिया गया है, प्लैनेट की जो डेफिनेशन है उस पे वो सूट नहीं किया। अकॉर्डिंग टू जो एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन थी, उन्होंने जो एक डेफिनेशन निकाली थी प्लैनेट के बारे में। अब जानते हैं सभी प्लैनेट के बारे में। देखिए, ये है सन। सन जो है आपको पता है नियरेस्ट स्टार है हमसे, जो अर्थ से है, काफी पास है ये, और ये कंटिन्यूअसली क्या कर रहा है, हुज अमाउंट ऑफ जो हीट और लाइट ये क्या है बाहर निकाल रहा है, काफी ज्यादा अमाउंट में हीट और काफी ज्यादा अमाउंट में लाइट जो है कंटिन्यूअसली ये एग्जिट कर रहा है। तो सन क्या है, एक सोर्स है एनर्जी का, जो अर्थ के ऊपर जीवन है आप ये कह सकते हैं। सन से प्रॉपर जो डिस्टेंस पे होने के कारण प्रॉपर टेम्परेचर और प्रॉपर एनवायरमेंट यहाँ पे क्रिएट हुआ है, और जो हमारे लिए जो मेन सोर्स है एनर्जी का वो सन है, यानी कि सूरज है। उसके बाद करते हैं बात जो बाकी सारे हैं, प्लैनेट्स हैं या स्टार हैं, वो क्या है। देखिए, स्टार और प्लैनेट में भी क्या डिफरेंस होता है, ये भी आपको पता है। जो स्टार होते हैं वो चमचमाते हैं, ट्विंकल करते हैं, लेकिन जो प्लैनेट हैं वो चमचमाते नहीं हैं। वो क्या करते हैं, सन की एनर्जी को रिफ्लेक्ट करके भेजते हैं, जो सन की जो उनके ऊपर रोशनी पड़ती है उसको रिफ्लेक्ट करते हैं, तभी हम उनको देख पाते हैं, लेकिन वो ट्विंकल नहीं करते। और दूसरा, जो प्लैनेट है अपनी अपनी ऑर्बिट में ये घूमते रहते हैं, जैसे कि मरकरी की ऑर्बिट ये है, वीनस की ये है, अर्थ की ये है, और जितनी बड़ी ऑर्बिट होती है उतना ही एक रिवॉल्यूशन लेने में टाइम लगता है, तो पीरियड जो रिवॉल्यूशन है इंक्रीज हो जाता है जैसे जैसे ये सन से दूर होते चले जाते हैं, क्योंकि इनकी जो ऑर्बिट है वो बड़ी होती चली जाती है। और जो ये प्लैनेट है अपने एक्सिस पे भी ये घूमते रहते हैं, तो ये भी हमें ध्यान रखना है। उसके बाद बात करते हैं मरकरी की। देखिए, मरकरी को है जिसको हम बुध भी बोलते हैं, ये जो प्लैनेट है ये बिल्कुल पास होता है सूरज के, बिल्कुल पास होता है, और सबसे छोटा प्लैनेट होता है। तो मरकरी जो है नियरेस्ट होता है सन के पास, और सबसे छोटा जो है सोलर सिस्टम का ये प्लैनेट है। अब मरकरी सन के पास होने की वजह से क्या होता है, इसको ऑब्जर्व करना भी काफी मुश्किल होता है, क्योंकि जो सन की रोशनी है, उसकी ग्लेयर्स हैं, उनके कारण इसको ऑब्जर्व करना काफी मुश्किल हो जाता है। लेकिन क्या है, इसको आप देख सकते हैं सनराइज होने से थोड़ा पहले या सनसेट होने के बाद आप इसको ऑब्जर्व कर सकते हैं। तो ये मरकरी क्या है, सबसे पास होता है सन के और सबसे छोटा होता है।
दूसरा होता है वीनस। वीनस को हम बोलते हैं, इसको शुक्र भी बोला जाता है। तो वीनस जो है अर्थ के पास वाला प्लैनेट होता है, इसको अर्थ का नाइबर आप बोल सकते हैं, और ये काफी ब्राइटेस्ट प्लैनेट है नाइबर स्काई के अंदर। तो नाइबर स्काई के अंदर ये जो वीनस है अर्थ के बिल्कुल पास है और ब्राइटेस्ट जो है प्लैनेट है। अब जो वीनस है ये आप ईस्टर्न स्काई के अंदर इसको आप देख सकते हैं, सनराइज से पहले आप इसको देख सकते हैं, और समटाइम्स क्या है कुछ टाइम में ये आपको जो वेस्टर्न स्काई में भी दिखता है, जब सनसेट का सनसेट के बाद आप इसको वेस्टर्न स्काई में देख सकते हैं। इसको मॉर्निंग इसीलिए देखिए, जब मॉर्निंग में दिखता है और इवनिंग में दिखता है तो इसको मॉर्निंग और इवनिंग स्टार भी बोला जाता है वीनस को। तो वीनस हमारा जो है, लेकिन एक वीनस के बारे में एक और बात है कि वीनस के पास कोई भी मून नहीं है, जैसे हमारे पास एक चंद्रमा है इसके पास कोई भी मून नहीं है, या फिर कहें कि सैटेलाइट नहीं है। एक और बात हम ध्यान देते हैं कि जैसे जो प्लैनेट है, जैसे अर्थ के रिवॉल्व कर रहा है मून, अर्थ के चक्कर लगाता है चांद, तो उसको हम अर्थ का सैटेलाइट बोल सकते हैं। इसी तरह से जो हम सैटेलाइट भेजते हैं, जो ह्यूमन सैटेलाइट भेजते हैं आसमान में, उनको आर्टिफिशियल सैटेलाइट बोलते हैं, क्योंकि वो भी रिवॉल्व करते हैं प्लैनेट के अराउंड। तो इसी तरह से अर्थ के अराउंड जो मून है वो चक्कर लगा रहा है, तो हम उसको अर्थ का सैटेलाइट बोलेंगे, और जो ह्यूमन बीइंग द्वारा भेजे गए हैं उसको आर्टिफिशियल सैटेलाइट बोलेंगे। तो इन दोनों में आप डिफरेंस देख लीजिए। अब देखिए इसके अंदर जो वीनस है उसके बाद हम बात करते हैं अर्थ की। वीनस के बाद बात आती है अर्थ की। अर्थ के बारे में आप सब लोग जानते हैं अच्छी तरह से, अर्थ के ऊपर हम रहते हैं। ये जो है सन से कुछ इतनी दूरी पे है कि यहाँ पे जो जीवन है संभव हुआ है, यहाँ पे टेम्परेचर, यहाँ का एनवायरमेंट जो है, तो राइट डिस्टेंस पे हम कह सकते हैं कि सूरज से ये राइट डिस्टेंस पे है, बिल्कुल ठीक डिस्टेंस पे है, बिल्कुल ठीक टेम्परेचर है। यहाँ पे वाटर है, स्टेबल एटमोस्फियर है, ओजोन का ब्लैंकेट है जो कि हमें जो है बाहर की चीजों से बचाता है, जो अल्ट्रावायलेट रेडिएशन है सन की उनसे बचाता है। तो अर्थ जो है एक जीवन जिसपे संभव है वो प्लैनेट आप कह सकते हैं। अर्थ का नाइबर प्लैनेट है एक और, लेकिन बाहर वाली ऑर्बिट पे है मार्स। ये जो मार्स है इसको हम मंगल भी बोलते हैं। अब जो मंगल है ये हमारी आउटसाइड ऑर्बिट में होता है, अर्थ की ऑर्बिट है, देखिए इसकी बिल्कुल आउटसाइड ऑर्बिट में है मार्स जिसको हम मंगल बोलते हैं, और ये लाल कलर का होता है, थोड़े थोड़े लाल कलर का होता है, जिसके कारण इसको लाल ग्रह भी बोला जाता है। तो इसके पास इसके जो टू स्मॉल नेचुरल सैटेलाइट है, आर्टिफिशियल नहीं नेचुरल सैटेलाइट है, जो इसके चारों तरफ चक्कर लगाते हैं, तो ये है मार्स। मार्स के बाद बात करते हैं जुपिटर की, जिसको हम बृहस्पति भी बोलते हैं। जुपिटर क्या है, इतना बड़ा प्लैनेट है, इतना लार्जेस्ट प्लैनेट है सोलर सिस्टम के अंदर, बहुत बड़ा प्लैनेट आप इसको बोल सकते हैं, कि इसके अंदर 1300 अर्थ, लगभग 1300 अर्थ इसके अंदर आप रख सकते हैं। इतना बड़ा प्लैनेट है, लगभग 1300 पृथ्वी इसके अंदर आप प्लेस कर सकते हैं, इतना बड़ा प्लैनेट है जुपिटर। अब देखिए इसका मास भी कितना ज्यादा होगा, 318 टाइम्स यानी कि 318 टाइम्स जो है पृथ्वी से ज्यादा इसका मास है। अब देखिए लेकिन इतना मास होने के बावजूद भी ये अपने एक्सिस पे, जो हम बात कर रहे थे कि अपने एक्सिस पे ये काफी तेजी से रोटेट करता है। जुपिटर के पास बड़ा होने के कारण लार्ज नंबर ऑफ सैटेलाइट हैं, जैसे कि हमने बात किया अर्थ के पास मून सैटेलाइट है, इसी तरह जुपिटर एक बहुत बड़ा प्लैनेट होने के साथ साथ इसके पास काफी ज्यादा जो सैटेलाइट होते हैं, और इसके अंदर फेंट रिंग्स भी होती हैं, इसके चारों तरफ आप देख सकते हैं फेंट रिंग्स होंगी अगर आप टेलीस्कोप से इसको देखते हैं, और अगर आप इसको स्काई के अंदर देखते हैं तो आपको इसके चारों तरफ इसके चार चंद्रमा भी दिखेंगे। तो इसके पास जो चार सैटेलाइट होते हैं, तो चार इसके चंद्रमा जो इसके पास आपको दिखेंगे अगर आप इसको ऑब्जर्व करते हैं टेलीस्कोप के थ्रू, अगर आप इसको टेलीस्कोप के थ्रू ऑब्जर्व करते हैं। उसके बाद बात करते हैं सैटर्न की, जिसको हम शनि भी बोलते हैं। तो शनि जो है येलोइश कलर का होता है, लगभग ये पीले पीले कलर का होता है। तो इसको यूनिक क्या बनाता है सोलर सिस्टम के अंदर, इसके चारों तरफ देखिए जैसे हमने ये दिखाई है, इसके चारों तरफ रिंग्स होती हैं। तो ये ब्यूटीफुल जो रिंग्स होती हैं इसको सारे सोलर सिस्टम में सबसे अलग बनाती हैं। तो आप डायरेक्टली नेकेड आई से इन रिंग्स को नहीं देख सकते, तो आप इनको ऑब्जर्व कर सकते हैं टेलीस्कोप के थ्रू। तो लार्ज नंबर ऑफ सैटेलाइट होते हैं इसके पास भी, सैटर्न के पास भी, जो इसके चारों तरफ चक्कर लगाते हैं। अब देखिए एक और इंटरेस्टिंग बात है सैटर्न के बारे में, सैटर्न का जो घनत्व है यानी कि डेंसिटी है काफी कम होती है, पानी से भी काफी कम होती है, यानी कि अगर आप इसको पानी में रखें तो ये तैरेगा। तो इस तरह की इसकी डेंसिटी है, काफी कम इसकी डेंसिटी होती है। उसके बाद बात करते हैं यूरेनस और नेपच्यून की, जो सबसे आउटर ऑर्बिट्स के प्लैनेट हैं, आउटर मोस्ट प्लैनेट भी हम इनको बोल देते हैं जो सोलर सिस्टम के हैं।
ये आप सिर्फ जो है लार्ज टेलीस्कोप से ही देख पाते हैं क्योंकि काफी दूर है यूरेनस और जो नेपच्यून है आउटर मोस्ट ऑर्बिट्स में है दोनों, तो आप इनको लार्ज टेलीस्कोप की हेल्प से ही देख पाते हैं। अब जो वीनस है और यूरेनस है ये ईस्ट टू वेस्ट घूमते हैं, जैसे हमारी जो अर्थ है वो हमारा घूमती है वेस्ट टू ईस्ट, लेकिन वीनस और जो यूरेनस हैं ये हमारे ईस्ट टू वेस्ट घूमते हैं। अब इनके बारे में जो यूरेनस है इसके बारे में एक और फीचर है इसका, इसका जो टिल्टेड होता है यानी कि जैसे अर्थ जो है सीधी नहीं है इस तरह से टिल्टेड है हल्की सी, इसी तरह से जो इसका एक्सिस है घूमने का ये बिल्कुल ही इस तरह से है, ऐसा लगता है कि अपनी ऑर्बिट पे ये रोल करता जा रहा है, रोलिंग कर रहा है अपने ऑर्बिट पे, इतना इसका एक्सिस टिल्ट होता है। तो ये हमें इसके बारे में समझना है। तो इसके अंदर देखिए जो फर्स्ट फोर प्लैनेट है मरकरी वीनस अर्थ और मार्स, इनको हम बोलते हैं इनसाइड प्लैनेट बोलते हैं या इनर प्लैनेट बोलते हैं क्योंकि ये पास है सन के। अब इसी तरह से जो आउटसाइड प्लैनेट है वो कौन से हैं, जो मार्स के बाद हैं जुपिटर सैटर्न यूरेनस और नेपच्यून, ये जो चार हैं इनको हम बोल देते हैं क्योंकि काफी दूर हैं तो इनको हम बोल देते हैं आउटर प्लैनेट्स बोल देते हैं। इनके लगभग सबके पास क्या होती हैं, रिंग्स होती हैं, आउटर प्लैनेट्स इनको बोलते हैं और एक रिंग सिस्टम होता है इनके जो बाहर होता है, तो इनके पास लार्ज नंबर ऑफ मून्स भी होते हैं जो आउटर जो हैं जो हमारे आउटर प्लैनेट हैं। तो देखिए इस तरह से आप पूरे सोलर सिस्टम को समझ सकते हैं। तो थैंक यू वीडियो देखने के लिए, और ज्यादा वीडियोज के लिए आप हमारे चैनल ज्ञान लोपे हमें सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू।